तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। आज अद्भुत कथाओं की श्रृंखला को स्थलीय जानकारी देने के लिए, स्थलीय भक्तों से मिलवाने के लिए और जिनका बहुत लंबा सानिध्य रहा महाराज जी का, उनसे मिलवाने के लिए मैं हल्द्वानी में खड़ा हूँ। और हल्द्वानी से बाबा नीम करोली मंदिर, मैं आपको बता दूं जो महाराज जी के अन्य अन्य भक्त साथी और अतरंग यादों के संस्मरण लिए हुए यहाँ पर जीवन बाबा हैं। जीवन बाबा की धर्मपत्नी यानी महाराज जी की बेटी और माई दोनों का संयुक्त रूप, हम उनकी भी आपको बात सुनवाएंगे और आप यहाँ से जो संस्मरण मिलेंगे वो महाराज जी के मंदिर से। और महाराज जी के मंदिर को मैं चाहूँगा एक बार अमित जी दिखा दें। ये चारों तरफ महाराज जी के चित्र लगे हुए हैं, मुख्य रूप में आपने महाराज जी के दर्शन कर लिए हैं और ये दर्शन भी आप करते रहिएगा। और इस तरह से ये माई बैठी हैं, ये अग्रवाल साहब जिनका मैंने आपका कई बार बताया है, वो बातचीत कर रहे हैं माई से और भैया बैठे हुए हैं। तो इस मंदिर से हम आपको यहाँ के संस्मरण सुनाएंगे। महाराज जी जब हमको पहले मिले, महाराज जी ने कहा मेरी बेटी प्रणाम करना चाहती है, लखनऊ में मिली तो उन्होंने कहा आने दो उसे। उस दिन से उन्होंने मुझे पकड़ा था। मैं आपको क्या बताऊँ, जहाँ भी हम होते थे पता नहीं उनको कैसे होता था। यहाँ लकड़ी, पहले लकड़ी के बरांडे नहीं होते थे, लकड़ी के बरांडे होते थे, तखत के वैसे बरांडे होते थे। तो गांव में हम लोग रहते थे तो वहाँ पहुँच जाते थे महाराज जी कहीं नहीं। और स्कूल का पत्थर भी महाराज जी ने अपने हाथ से रखा, मंदिर का भी बताइए। यह नीम का पेड़ था, इसके पीछे से नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके विषय में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है, कोई कुछ बता ही नहीं सकता है। ऐसे अवतारी पुरुष ऐसे गए भी देखे। आपका तो विवाह भी उन्होंने ही कराया। अच्छा, हाँ उनके वहाँ आपका मायके के भी भक्त थे। हाँ। और जीवन बाबा की माता जी भी बहुत भक्त। हाँ। अम्मा जी मायका कहाँ पर है? मायका कहाँ पर है? मायका आप कहाँ की रहती हैं? बमोरी, यही हल्द्वानी बमोरी। आप कह रही ना गाँव में वो वैसे मकान होते थे। हाँ हाँ गांव तो हुआ सारा। हाँ, बमोरी गांव तो हुआ, पूरा शहर बन गया। ये खान की जमीन हुई। हाँ, ये पिताजी ने दी मुझे। अच्छा, स्कूल बनाने के लिए। हाँ, मैं पहले बच्चों से ही कहती ना स्कूल खोलूँगी, बच्चों को पढ़ाऊँगी। हाँ, और पढ़ाती भी बच्चों को भी थी। तो आपके भाई वहाँ वो जो सदर बाजार में दुकान, वो तो खत्म हो गई, उनका बेटा है। क्या नाम था दुकान का? नाम हल्द्वानी बुक डिपो। तो आप आपकी जब शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले ही महाराज जी के दर्शन हुए थे? महाराज जी ने करे हमारी शादी। तो उन्होंने कहा शादी करो, शादी करो। हाँ, वृंदावन में वहाँ कहाँ परिक्रमा करके आओ, द्वारिका जी की शादी जी, पूरी वृंदावन की परिक्रमा करी, वही शादी हुई। तो आपकी सासू माँ के पास भी पहले से आते थे महाराज जी तो? हाँ हाँ। तो फिर आपके जो पति कैसे भक्त बने बाबा जी के? जीवन बाबा जी कैसे शरण में आए? अरे वो तो उनका तो पहले हालांकि था माँ, वो तो देखे ना ऐसा। हाँ, है जी, ये हमारी पहले से सारी परिवारें एक होती थी जी। दादा परदादा वो सब खाते थे, रसोई पकाता था, ऐसा था ना, होता था ना जी। तो ये भवानीगंज में थे जी, भवानीगंज में रहते थे ना ये लोग, हल्द्वानी में नीचे भवानीगंज है वहाँ रहते थे। तो वहाँ से महाराज जी इनको अपने साथ उठा लेंगे। अच्छा, अकबर ये इनको देखे कैसे महाराज जी ने इनको अकबरपुर में बुला लिया। कैसे बुला दिया हो गया अकबरपुर जन्म स्थान की, और कैसे उनको पता हुआ होगा बताइए, कैसे सुर लगा दिया होगा। हाँ जी, और जहाँ भी थे ये तो महाराज जी के साथ ही रहते थे। अच्छा, हाँ महाराज जी की शांति देते थे। जहाँ बरेली जाए महाराज, खत्ती के वहाँ महाराज जी गए थे, खत्ती जी के वहाँ से बरेली से महाराज जी इनको सुर लग गया, ये बरेली पहुँच गए। अच्छा, हाँ तो महाराज जी ने कहा कि तू कैसे आ गया इनसे, और लड़की को क्यों नहीं लाया? अच्छा, मेरे लिए आपको क्यों नहीं लाया?
उसको क्यों नहीं लाया जी, ऐसा कहने लगे। तो महाराज जी तो उनकी विषय में कोई बात है कि महाराज जी के साथ तो बहुत ही जगह पहाड़ की यात्राएं की हैं जीवन बाबा ने। अरे वो तो उन्हीं के साथ रहते थे ना महाराज। अच्छा। जी उनको कहाँ छोड़ते थे, जब उनकी माँ खत्म हुई तब भी नहीं आए वो। उन्होंने कहा जाते थी माँ याद करते ये वहाँ माँ वहाँ ये गए नहीं। अच्छा फिर क्या करते थे इनकी माँ को लोगों ने कर दिया। अच्छा ये पहुँचे नहीं, उन्होंने हट कर दिया। और महाराज जी ने पहले ही कहा हाँ। अरे जा इन्हें महाराज जी को नहीं छोड़ा है। महाराज जी को नहीं छोड़ा ना, नहीं। माई ये बताइएगा कि जब बाबा आते होंगे तो यहाँ दरबार लग जाता होगा, लोग भक्त आ जाते होंगे पता करके। हाँ हाँ पता करके आ जाते हैं लोग। हाँ तो महाराज जी अपने विषय में कभी कुछ बताते होंगे? ना ना। अच्छा अपने विषय में कुछ नहीं बताते? कभी कुछ नहीं। अच्छा लोग, मैं आपको बता रही हूँ वो अवतारी पुरुष थे जी, हनुमान जी के रूप में आए, हनुमान जी के रूप में ही अपने काम पूरे करके चल दिए। चल दिए, न उनको कोई बीमारी हुई, न कुछ हुआ, न कुछ हुआ। आप जब महाराज जी अनंत यात्रा पर गए हैं, यानी जब यहाँ से जीवन देह त्याग के, तो उस समय आप कहाँ थी महाराज जी के उसमें? हाँ। सबसे पहले हम पहुँचे वृंदावन। वृंदावन पहुँच गई थी आप? ऐसी से महाराज जी गए ना जी जी, मैं तीन दिन में लौट आऊंगा कहा महाराज जी, चौथे चार दिन में आ जाऊंगा। हाँ, हाँ। आ जाऊंगा कहा, लेकिन वो उनके वहाँ गए ना, वो पहले यहाँ म्यूनसिपलिटी में चेयरमैन वो थे, वो उनके घर गए महाराज जी। अच्छा उनके घर थे महाराज जी ने कहा कि उनके घर में रुके, उन्होंने कहा तुम 28/58 में जाना, रवि खन्ना जो लड़का था। हाँ हाँ रवि खन्ना। 28/58 में जाना और वहाँ से उसको मतलब धर्मनारायण को उसको बुला, हाँ धर्मनारायण को बुलाया था उन्होंने। हाँ 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 उनको बुला, वो अपने आप आ जाएंगे, उनको बुलाना ये कहा। तो वो और मामा आए। अच्छा मामा, मामा उनके गांव के थे मामा। अच्छा अच्छा। हाँ। मामा मामा कहते थे धर्म लोग जी, माम पहले से ही कहते गांव उनके गांव के थे। अच्छा। सिद्धि माई भी बहुत अच्छी, सिद्धि माई बहुत अच्छी थी। और तभी तो रखा महाराज जी ने उनको। हाँ उनके पास 40 साल तक उन्होंने ही कारभार संभाला। हाँ संभाला, बहुत अच्छी नरम, कितनी व्यवहार कुशल, कितनी अच्छी थी ना। अच्छा महाराज जी के कभी कभी बताते थे कि जैसे पेट्रोल खत्म हो गया तो पानी से डलवा देते थे तो गाड़ी चल जाती थी। हाँ महाराज जी क्या नहीं कर सकते थे, मैं कह रही हूँ आपको जी। मैंने बस एक शब्द कह दिया, वो हनुमान जी के रूप में आए, हनुमान जी के रूप में ही चलेगी। अब देखिए जाते समय भी उन्होंने कहा मैं तीन दिन में आ जाऊंगा। हाँ तीन दिन में आ जाऊंगा, तीन दिन में आ जाऊंगा। और जगमोहन शर्मा अब याद है, जगमोहन शर्मा, जगमोहन शर्मा जी के वहाँ रुके वो जी जी, जगमोहन आगरा। और जी जी आगरा में जगमोहन शर्मा जी के वहाँ रुके, जगमोहन शर्मा जी से कहा कि रोटी और दाल बना, रोटी दाल बना, रोटी दाल खाऊंगा। तो उनकी उन्होंने पत्ती की दाल रोटी सब बनाई। हाँ। और उन्होंने कहा एक आदमी को भेजो 28/58 में आगरा। हाँ। हाँ। और वहाँ से धर्मनारायण वो आ जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ उनको बुला लिया। तो उनको बुला के जैसे ही धर्म चाचा जी आ गए तो धर्म चाचा जी को फिर जगमोहन शर्मा जी की वहाँ से भी चले गए। मथुरा के जो वो नहीं है दीवार, वहाँ पर बैठे, वहाँ पर बैठ के धर्म चाचा के गंदे दबाए, सारा अपना शरीर का उनको दे दिया। अच्छा हाँ पूरा धर्म चाचा आप देखिए वो सारे गुण हुए हैं। हाँ, सारे भंडारे खाली थोड़े चला रहे हो, कैसे चला रहे बताइए। सही बात, अकबरपुर में वैसा का अब भी भंडारा करके आए। और वहाँ जहाँ देखो वहाँ देखा को उनके कंधे दबा के सब शक्तियाँ दे दी, शक्तियाँ दे दी, अपनी शक्ति दे दी। और वृंदावन में जाके ये अस्पताल ले जाने लगे, उन्होंने जैसे नाक में वो लगाई जी सांस लेने की ऑक्सीजन ना, ऐसे निकाल दी उन्होंने। अच्छा। निकाल के फेंक दी। हाँ। और हे जगदीश सर का, हे जगदीश। और फिर आश्रम में लाए, हम तो वहीं वहीं थे उस समय। हाँ।
सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।